यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जिन्होंने रोहित शर्मा को पीछे धकेला, वो टॉप पर हैं। भारतीय युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को पीछे धकेला और टॉप उठाया। सभी फॉर्मेट में मिलाकर उन्होंने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर इतिहास रच दिया। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी मैच में 36 रन बनाए। उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 14 पारियों में 65.23 की औसत और 85.82 की स्ट्राइक रेट से 848 रन बनाए। इससे पहले अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 844 रन 27 पारियों में के साथ शीर्ष स्थान पर थे, लेकिन यशस्वी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और नंबर वन स्थान हासिल कर लिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। इस साल उन्होंने 22 पारियों में 833 रन बनाए। रोहित के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी कुशल मेंदिस 833 रन 26 पारी के साथ चौथे और अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 773 रन 25 पारी के साथ पांचवें स्थान पर हैं। यहां खास बात यह है कि जायसवाल ने महज 14 पारियों में इतना बड़ा स्कोर बनाया। यदि अन्य सभी बल्लेबाजों ने 20 से अधिक पारियां खेली तो उन्होंने 14 पारियों में 800 रन का मील का पत्थर पार किया और शीर्ष स्थान हासिल किया। अगर यही आक्रामकता जारी रही तो शायद वह क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर अपने नाम कर लेंगे। और हमें देखना होगा कि इस साल के खत्म होने से पहले वह कितने रन बनाएंगे। इस साल अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 848 रन 14, इब्राहिम जादरान 844 रन 27, रोहित शर्मा 833 रन 22, कुशल मेंदिस 833 रन 26, रहमानुल्लाह गुरबाज 773 रन 25।